अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तैमूर अली। आई एम इंग्लिश टीचर। आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एंड आई हैव डन एमफिल इन इंग्लिश फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आई होप यू एंड योर फैमिली विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, मौजूदा सूरत हाल की वजह से तमाम तर करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सस्पेंड हो चुकी हैं। तो लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला की तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए बकायदा तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है और आज इसी सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लेक्चर के लिए। आज का लेक्चर हमारा होगा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्यों ज़रूरी है, आज हम उस पर बात करेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट की जब आप प्रेपरेशन करते हैं तो उसके लिए अगर आपको मालूम नहीं है कि उसका पेपर पैटर्न क्या है तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप माइंड में रखें और इसको माइंड में रखकर जब आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी होगी। और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या कोई बात जानने के लिए दिए गए लिंक्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे इसी चैनल के नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा बकायदा लेक्चर जिसका टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है, फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसमें दो बुक्स हैं, बुक वन एंड बुक थ्री। जैसा कि बुक वन जो है उसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज हैं, प्रोज है, प्रोज, और उसमें 15 चैप्टर्स हैं जिनको हमने रीड आउट करना है। और बुक थ्री जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं बुक थ्री के अंदर। नंबर वन, बुक थ्री में हमारे पास वन एक्ट प्लेज हैं जो कि तीन हैं, हमने उनको तैयार करने हैं। और जो दूसरी चीज़ बुक थ्री के अंदर है वो है पॉइंट्स। पॉइंट्स टोटल 20 पॉइंट्स हैं और हमने उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये तो है हमारे पास बुक्स, दो बुक्स हो गई और उनके अंदर हमें चैप्टर्स का पता चल गया, प्रोज, प्लेज एंड पॉइंट्स। लेकिन अब इनको तैयार किस तरह करना है एग्जाम्स के लिए और एग्जाम में किस तरह से कितने मार्क्स का हमें पेपर आएगा वो हम जानते हैं अब। तो हमारे एग्जाम के अंदर जो हमारा पेपर है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्टिव पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 20 मार्क्स पर मुश्तमिल है और सब्जेक्टिव जो आपका पार्ट है वो 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर हमें कहाँ कहाँ किस किस बुक से क्या क्या चीज़ें आएंगी जो हमने तैयार करनी है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी बुक्स से, जो आपकी दो बुक्स हैं बुक वन एंड बुक थ्री, उसके सिनोनिम्स याद करने पड़ेंगे। सिनोनिम्स आपके 10 मार्क्स के आएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर और उसके बाद आपके एमसीक्यूज आएंगे 5 मार्क्स के बुक वन से। यानी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो आपने उनको कॉम्प्रीहेंड किया है, जो आपने उनको समझा है, उसी के अंदर से आपसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएगा जिसको आपने टिक करके उसका राइट आंसर देना होगा। और ऑब्जेक्टिव मार्क्स के अंदर लास्ट में आपके ग्रामर पोर्शन से करेक्शन का पार्ट आएगा कि आपने, आपको सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, सिनोनिम्स कहाँ से आएंगे और करेक्शन कहाँ से आएगी। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आंसर्स का आता है। क्वेश्चन आंसर्स हमारी बुक वन से क्वेश्चन आंसर्स, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे
टोटल क्वेश्चंस जो होंगे पेपर के अंदर 9 दिए होंगे, लेकिन हमने उनमें से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिनका टोटल जो मार्क्स हैं वो 12 मार्क्स हैं। ये आपको बुक 1 जो है चैप्टर्स 15 चैप्टर्स जो आपको प्रोज के बताए हैं शॉर्ट स्टोरीज के, उनमें से ही आपको आएगा। उसके बाद जो दूसरा सवाल है सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, वो है आपका बुक 3 के अंदर से। बुक 3 के अंदर जो आपका पहला पार्ट है प्लेज का, उसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपकी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए। वो जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 7 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने उसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि टोटल मार्क्स उसके 10 बनेंगे बुक 3 प्लेज में से। ठीक है जी। अब इसी तरह जो एक चीज हमारे पास रह गई है पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन भी उसी का है, क्वेश्चंस आंसर आएंगे और उसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने उसमें से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसका टोटल मार्क्स जो हैं वो 8 होंगे। तो इस तरह आपकी बुक के जो 3 पोर्शन मैंने आपको बताए थे, बुक 1 के प्रोज और बुक 3 जो थी उसके अंदर प्लेस एंड पॉइंट्स, इन तीनों से आपको क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, जिनके टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 30 बन जाएंगे। 12, 10 एंड 8, 30 मार्क्स आपके बनेंगे क्वेश्चन आंसर्स के। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं और हमने तो एक एक मार्क को देखना है कि हम वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस के बाद हमारे पास पेपर में क्या आएगा, वो ये कि लेटर्स एंड एप्लीकेशन होंगी, इसके अंदर चॉइस होगी कि आप लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपके 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद स्टोरी राइटिंग है, कि आपको मोरल दे सकते हैं, किसी भी मोरल पर आपको स्टोरी लिखनी होगी और वो स्टोरी भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद पॉइंट्स जो हमने बुक 3 के अंदर देखी, पॉइंट्स की कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए आपको स्टैंजा आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। उसकी प्रेपरेशन हमें साथ साथ पॉइंट्स के साथ साथ ही करेंगे, ताकि ये चीज़ भी हम अटेम्प्ट कर सकें, 5 मार्क्स की आएगी। उसके बाद बुक वन से जो हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, वहाँ से हमारा एक और चीज़ आनी है क्वेश्चन आंसर्स के अलावा, पंक्चुएशन भी 5 मार्क्स की है, इसको भी हमने बुक 1 से ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पेपर के अंदर आएगा पेयर ऑफ वर्ड्स हमें याद करने होंगे, ये भी हमें 5 मार्क्स के आते हैं और इसको भी याद करके अटेम्प्ट करना होगा। और लास्ट में जो सबसे आखिर में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, वो होगा ट्रांसलेशन का, और ये 15 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, और ये ट्रांसलेशन जो आपको आएगी ये भी आपकी बुक 1 से आएगी, और आपने इसको ट्रांसलेट करना है इनटू उर्दू। जो हम ट्रांसलेशन करते हैं तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। हम ये भी अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि आप किस तरह हर चीज़ को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर और अबाउट पेपर पैटर्न। अगर किसी भी किस्म का आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारे चैनल पर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।